तेल जाना होगा शुरू और गेट दे। अपनी बाइक का एवरेज आ गया 62 किलोमीटर, 1 लीटर में 62 किलोमीटर जागी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब भाई, नई वीडियो की शुरुआत कर दी। सुबह सुबह नया दो तो है नहीं, नई थे तो भाई मैंने आपको रैप दिखाई थी पिछले वीडियो में भाई, वह रैप नहीं मिल रही कहीं भी। क्यों नहीं मिली भाई? यहाँ थे मुंबई भोपाल सब चीज पे, मतलब ऑनलाइन सिस्टम मैप पे गूगल पे फ्लिपकार्ट पे अमेजोन पे सारे को सर्च कर ली, कहीं नहीं मिली। जोन से वाली मिली वो ऑर्डर कर दे आज भोपाल तक भाई। इतनी महंगी है तो हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी महंगी भी रैप आ सके, पर कोई नहीं। वीडियो के लिए भाई आप सबके लिए करना पड़ेगा, महंगी है कि भोपाल तो ऑर्डर करके मंगाओगे, उसके अलग अलग पार्ट आओगे बन के। इस वीडियो में उसका फोटो लगा दूंगा कौन से वाली मंगाई, आप बता दो कमेंट करके कि अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। पर भाई एक नंबर की कम से कम भी नाम नौने में 5-6 हजार रुपए की आओगी। स्प्लेंडर की मतलब हंती कटिंग होकर आओगी, अलग अलग पीस आगे ऐसे कैसे यहाँ चढ़वा लेंगे घर पे बुला के मिस्त्री को। ठीक है भाई, आज क्या करने वाले है भाई? सबके कमेंट, सबके मैसेज, सबके जो भी है कमेंट में, हर कमेंट में कि भाई बाइक की टॉप स्पीड 30 होगी, एवरेज तो 10 का देती होगी। एवरेज भी नाप के दिखा देंगे आज भाई। एवरेज नापने के लिए तुम्हें पता होगा, अगर सिंपल मोटरसाइकिल है कार्बोरेटर वाली तो हम उसमें कुकर भी करके नाप ले, मतलब कि पाइप लगा दिया बोतल टांग ली वो करके दिखा दे। यूके गिर गया यार उतरी। ठीक है भाई, पाइप लगा के बोतल में तेल डाल के करके दिखा दे कि उसमें कार्बोरेटर आएगा उसमें पाइप लग जाए। इसमें कार्बोरेटर नहीं है, ये है अपनी BS6 बाइक। ठीक है भाई, ये खड़ी अपनी BS6 बाइक। और भाई इसे नापने के लिए हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठना पड़ेगा, या तो मिस्त्री तक पूछेंगे। मिस्त्री तक पूछे था मैंने कल भी फोन करके, एक मिस्त्री ने तो कहा भाई हमें नहीं पता BS6 में कुकर तेल नाप मतलब कैसे एवरेज नापे जाएगा। और भाई इसकी टॉप स्पीड दिखाऊंगे, एवरेज भी दिखाऊंगे, घने दिन होली सबके यही कमेंट है। आज इस वीडियो को कम्प्लीट कर देंगे, रैप की भाई इतना रैप भी आ जाएगी हमारी, रैप की अगली वीडियो आ जाएगी। ठीक है भाई, तो इसे पहले क्या करे, पहले तो इसे पूछ ले, पूछने के बाद बाहर निकाल ले, शिवम को बुला लूं, देखते हैं अगर इसका पाइप वाइप निकाल का क्या सिस्टम बैठता है। इसका टंकी में तो मोटर ही काटना पड़ेगा डायरेक्ट, वो तो देख लेंगे जो भी होगा। एक बार फटाफट इस काम को निपटाते हैं, देखते हैं। ओके भाई, पूछ के चमका दी, इस जगह क्या करना रह गया भाई? एक बार ये सिस्टम देख लो आप भी भाई। जो हमारी सिंपल बाइक रहेगा उसमें कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर में तो अपना तेल पहुंचाना मतलब कि जो कर भी यंत्र पाइप हटाया दूसरा पाइप लगा दिया अपनी बोतल वाला तो तेल चले जाएगा। इस तेल की नली है ही ये वाली नली, इसे अटैच करेंगे हम बोतल से। और भाई उसमें देखेंगे सिस्टम मोटर से कुकर तेल तो जाएगा कुकर नहीं जाएगा, ये हटानी पड़ेगी हमें ऊपरली साइड से। और टंकी का तेल नली कट जाए वो भी सिस्टम देखना पड़ेगा यार, अगर नली हटाकर तेल निकल गया टंकी का तो टंकी के मोटर का तार भी हटाना पड़ेगा। देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। एक बार सीएम को बुला लो, एक बोतल ले लो, पाइप हमारे पास है जो इसमें अटैच हो जाएगा। ठीक है भाई, एक बार देखते हैं क्या प्रोग्राम बैठने वाला भाई। एवरेज करने के लिए बहुत तगड़ा सिस्टम हटाना पड़ेगा क्योंकि BS6 का एवरेज ऐसे तो निकलते नहीं भाई। अगर टंकी में करेंगे, टंकी में 1 लीटर तेल इसमें परमानेंट चाहिए तो उसका एवरेज नहीं निकलता। हम एवरेज निकाल के दिखाऊंगे BS6 का कोई देसी जुगाड़ था। चीज़ हमने स्मोक का सिस्टम बनाया था, स्मोक सिस्टम भी बन गया था हमारा। और भाई इसे हम यूज कर लेंगे। ओ भाई इसके क्यों वो भाई सब डंगा खिंडा का चलेगा। देखियो मतलब बोतल पाइप और गोटी वोटी सब कुछ लेकर आया था। ओहो उसका नहा दिया भाई, नहाने के बाद पूरी फुर्ती आ रही इसमें भाई। इससे स्मोक सिस्टम बनाया था, इससे हम एवरेज निकाल लेंगे कैसे। इस भाई तेल लेंगे इतना, क्योंकि ज्यादा तेल लेंगे तो ज्यादा चक्कर काटने पड़ेंगे, अपने किलोमीटर देख लेंगे बाइक के। और इसमें आधी थे आधे लीटर यानी के 250 ग्राम आता होगा, 250 ml तेल आओगे इसमें। 250 ml तेल आने के बाद भाई इससे पता चल जाएगा कि 1 लीटर में कितनी चलेगी, मीटर देख लेंगे। पहले से तेल निकाल लेते हैं, इसमें तेल लग देते हैं निकाल के। ओए सामान में ठही है उसका लड़का। 250 ml तेल निकल के हो गया रेडी, इसको भेजते हैं टंकी को। ईद लगाते हैं सिस्टम, इसमें पाइप का सिस्टम कैसे लगाना होगा। हम तो आने भाई लोग को शोर लग रहा है, अपने आप ही करना पड़ेगा सब कुछ। इसे भेज देते हैं और फिर टेस्टिंग हो गया टंकी। अरे वाह ऊपर लोग का आ रही है बाबा, आज एवरेज का भी काम निमट देगा। एवरेज के भाई सब मतलब कि मजाक भी ले यार कमेंट में कहते हो, कमेंट में इतनी मजाक भाई। टॉप स्पीड तो 10 की होगी और एवरेज तो बाइक आपकी 5 का ही देती होगी, आज पता चल जाएगा एवरेज का भी। और स्पीड तो मैंने देख रखी तब और पता चल जाएगा। आज निकालने के लिए अपना एक सिस्टम तो हो गया रेडी, तेल नहीं आने का क्योंकि भाई 20 बंद कर रखी। फिर से ऐसे लटका लेंगे यहाँ कहीं से बांध के ऐसे लटका लेंगे। एक बार इसमें देखते हैं पाइप आ जाएगा नहीं आओगे, उसमें उसका सिस्टम और निकालते हैं, टंकी के तार हटाते हैं। मतलब अगर चाबी खुल जाएगी तो टंकी में करंट जाएगा, पाइप निकलेगा तो सारा तेल बाहर नहीं आ जाएगा। तो टंकी के तार भी देखने पड़ेंगे भाई, करंट कौन सी चीज तक आएगा टंकी में, टंकी के तार है कौन यार, ये तो तार नहीं पड़ेगी भाई। यू सिस्टम खोलना पड़ेगा, टंकी भी उतरेगी सीट भी उतरेगी। ठीक है भाई, बहुत कैडा सिस्टम करना पड़ेगा यार। सीट और पैनल खुलकर रेडी हो गए, अब काम रह गया टंकी का। टंकी को यार किल्ला इंसान कैसे खोल सकता है यार, एक तो ये बोल्ट खोलना। भाई तार भी तो नहीं दिख रहा यार, तार कहाँ लग रही है पता नहीं, कहाँ लग रही है तार भी, उठने के बाद ही दिखे गया। तो टंकी का करंट है ना, जो यू स्विच दिख रहा था मैं बगल हटा दिया। ए यू वाला कहाँ गया, इसके नीचे है ये वाला तार हटा दिया। अब देखते हैं कि तेल देती है नहीं देती, स्टार्ट हो जाएगी के बिना तेल के। मोटर तो चले नहीं भाई, टंकी का खड़का हो जाए क्योंकि ये देखे स्टार्ट कर गए।
लो जी भाई तेल आना बंद हो गया। ईब हम इसमें तेल पूछाते हैं कैसे, अगर वहां से ही हटा दिया तो भाई डायरेक्ट तेल आ जाएगा। करंट टंकी के तो हटा, पीछे छोड़ देते हैं, ऐसे टंकी बैठ लेते हैं क्योंकि भाई तिरछी करके लिख डायो। ईब इसमें जोड़ते हैं कनेक्शन, इस वाले कनेक्शन में जोड़ना पड़ेगा। तो बैठ ली सीट वीट बाद में बैठेंगे, पहले एक बार चेक करके देख लो इस पाइप को हटा के इसमें तेल गिरेगा कि बाइक हमारी स्टार्ट हो या नहीं होती। अभी यू भी निकाल दिया वहां से करंट भी, और सभी बैठ गया पूरी तैयार कर दूंगी चलने के लिए रेडी होगी, पर ना चलने की भाई यार के पता ना चले मिस्त्री ने जब हाथ खड़े कर दिए। तो अपने आप टेस्टिंग कर ले, जुगाड़ से तो लिखेगी पता नहीं आगे भी कुकर लिख रहा यार। पिछले घंटे तो यू तो लिखने लगा, इसका लॉक और खराब कर लिया, यू और तोड़ लिया यार। ईब ऊपर लगा के देखा वो भी नहीं लिख रहा, वो भी फंस गया। देखो थोड़ा सा लिख गया, थोड़ा सा रह गया लिखड़े भी ना। ईब नू पता नहीं चल रहा कि कहां तो तेल पूछाऊ इसमें यार, ये ना इंगे तो लिख रहा ना नूंगे तो लिख रहा, क्या सिस्टम फै गया। बहुत तगड़ा सिस्टम है यार बीएसके का, अब फिर टंकी खोलनी पड़ेगी। हम फेल होगा, मिस्त्री साहब भी आ गए थे, इन्होंने भी यू तो लिख गया, इसमें तेल भी गिर का देख लिया तो चल ही नहीं रहा आगे को। ईब क्या करना पड़ेगा भाई, एवरेज को हटना जरूरी है। ये तार को और भी सब हटा दिया और मैंने तो फिर भी नहीं चला, इसमें करंट चाहगा जी भी चलेगा। तीन तार पे कहां लग रहा, तीन तार का तो स्विच है ही नहीं इसमें कहीं भी। यहाँ दोबारा फोन करा था, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, कह लगा भाई मुझे नहीं पता, ऐसे तार को लगा दो, तार को लगने के बाद ही होगा जो कुछ होगा। पहले इसमें तो तेल काटेंगे, टंकी में छोड़ेंगे थोड़ा बहुत तेल, पहले बोतल भर ले इसमें काट काट के, फिर इसे अंत हटाऊंगे डायरेक्ट सिस्टम बनाऊंगे और कट जाओ, फिर तो सिस्टम इसका बैठाई देंगे। अच्छा कुछ हो जाओ, एवरेज तो इसे कटवाना पड़ेगा आज जरूर, एवरेज कार्ड के पीछे छोड़ देंगे इसका। मैकेनिक साहब आगे ना बार मंगाएंगे लैंड दे, ये भोपाल था है ये सर, तो भोपाल वाले सर है। एक सर ये भी है, ये टावर लाइन में थोड़ा इन्हें टावर इन्हें रेंज रांज का पैरा, और अगले टायर पे पाँव अटक के ना तेरा पाँव टूट जाएगा रास्ते में कहीं। बहुत मुशक्कत के बाद, बहुत टाइम के बाद हमारे इस साइड से भी निकल गया आगे नली हाथ में। ईब ऊपर की साइड की कौन सी भाई, वो इसमें मत घाल ले जाए। हाँ चल इसे सही को नीचे रहने दे, ये नीचे ली कार्ड में पड़ जा। हाँ घाल के छोड़, इसे इसमें घाल दे और इसे ऊपर सेट करके छोड़ दे, इसका तो कोई काम ही नहीं रहा है। अब हमारा भाई ये तो निकल गया। ईब हम के सोच रहे भाई क्या करेंगे, यंत्र से हटा लेंगे, यंत्र चढ़ा देंगे पाइप को, वो पाइप भी ना रहा है तो इसमें। ओ आ गया, ओ आ गया, देखो करके स्टार्ट एक बार, डायरेक्ट तेल जाऊंगा। ओ जा रहा जा रहा, ओ कहां जा रहा तेल, और सेल्फ नहाने की। हेलो देखो एक बार ट्राई करके, कार्ड तो बना दे, ऊपर को खोल, ऊपर को खुल जाते हैं। ले आवे तेल जाना होगा शुरू, इसका तेल आओगा इसमें, इसका तेल आओगा भाई इसमें कनस्तरी में। मोटर चल गया, हाँ मोटर चल गया, तेल आ लगा। हाँ भाई भाई का दिमाग स्टार्ट होगी मोटर से, चल भाई चल होगी भाई, क्या दिक्कत आ गई। बोतल में चेक करवा दे भाई, इसमें देखिए तेल आ रहा है, देखो आ रहा तेल भाई, इसमें सेंसर तो ना, ये तो इब चल रहा परमानेंट ना, इब चल रहे भाई, के सिस्टम हो रहा है यार, सब बड़ंगा करके देख लिया। इसके लोग तो स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट नहीं हो रही, पता कह रहा ना इसमें सेंसर है भाई, ये वाली बाइक एवरेज नहीं लिखा लिख सकता, सारे सिस्टम फेल हो गए। BS6 मोटर का कोई भी अगर इस धरती पे एवरेज काट का दिखा दे तो उस बात की गारंटी। दूसरा तरीका मेरे दिमाग मारा, सिवा मोलिया फेल भाई, बाट पे ठीक है 29 घर, सारे पैच बैठ दे, सारे बोल्ट बैठ दे, टंकी को खाली कर दे बिल्कुल, टंकी खाली करे तो मैं बताऊंगा ना फिर, है हम इसमें तेल गिरेंगे आधी लीटर भाई। मैं एक तरीके का एवरेज नाप दूं तो टेंशन मत लेगा बिल्कुल भी, ठीक है। तुझे सारी को भेट दे जो करती नुक के नहीं, भेट दे पैट, टंकी खाली कर लेगा, टंकी खाली करने के बाद ही पता पाओगा, जब स्टार्ट होनी बंद हो जाएगी ना मन मान लेंगे खत्म होगी, फिर इसमें आधी लीटर तेल गिरेंगे, उसके बाद चेक करेंगे मीटर, पूछते ही पता चल सके, और कोई चक्कर नहीं इसका। तो लिख गई ये तो, और भी रहा हाल ही तो है, खाली कर देंगे बिल्कुल, बोतल में और खा ले, टंकी देख लो है क्या कोई टोपा, अरे दीख जाता हालता यार, एक आधी बूंद पड़े होगा भाई, अगर पड़े होगा सारी सूंघ दी भाई, कर लो चेक, कहीं टोप दिखता ना रहा, कोई भी फ्लैश दिखा कर, फ्लैश चला का दिखा देता मैं, भीतर तो भी इंजेक्टर भी देख लो, वाह चमक आ रही कभी भीतर तो। इस जैसे मैं फटाफट तेल गिरते हैं आधी लीटर तेल डालते हैं, और करके देख ले कि एक बार स्टार्ट रहेगी जो तेल मतलब इसमें है का, बस इसे स्टार्ट रहने दे, देखेंगे कितनी बार में बंद हो जाएगी भाई, 10 ज्यादा 2-3 मिनट चलेगी, क्योंकि जितना इंजेक्टर में, और भाई देखो सलेंसर सबसे पहले धुम्मा इसमें को आवे, दूसरे में बाद में आवे, पहले इसमें आवे भाई, दोनों चालू है ना एक नंबर के, देखते हैं कितनी बार में बंद हो जाएगी, एक बार फिर बंद होने के बाद आधी लीटर नाप के तेल गिर लेंगे भाई, तेल बिल्कुल खाली हो गया देख लो, तेल भी नहीं ले रही, कर चलने दे चलने दे, थोड़ी सी बार में जीते कहा सब ठाक है, पैक दिया भाई तेल बार, ए चलने दे, देखा कद लोग रहेगी थम जा भाई, बिल्कुल खाली करेंगे, कभी कोई नहीं कहता तेल है कुछ है इसमें, एक तेल है सब खाली कर देंगे भाई, देखेंगे कद लोग का धक्के मारेगी भाई, मीटर भी देख लो 8,540 हो रही, बस भाई स्टार्ट होनी बंद होगी रेस दी, समझ चलने दे,
स्पीकर का ना शुद्ध भी कर ली भाई, एक बार जो मतलब रह रहा होगा नींगा दिंगा सब आके खत्म हो जाए भाई। इब जो हमारी टंकी बिल्कुल खाली होगी ना, आप आधी लीटर तेल डालते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या रेस्पॉन्स होगा। मीटर आप चेक कर लो, और भाई एक बोतल में तेल लेके चलेंगे, कभी रास्ते में दिक्कत हो जाए। पाइया में नहीं, अरे जी चार्ट रह गई थी एक बार तो यार। पाइया 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 कुकर घेरेंगे यार, बोतल अभी खोल लानी पड़ेगी। प्रथा ठाकर तो कटकी सारी आधी लीटर घेर ले, आधी लीटर तेल घेरते हैं भाई। प्रथा बोतल ठाकर ले आऊं, छान का तेल घेरना पड़ेगा क्योंकि बोतल में कुबाड़ रहे ना, तो इसे भी छान लेंगे और को भी छान लेंगे जो अंदर रखा हो। और भाई और लेके चलेंगे बोतल में, बैग में धर लेंगे, कनस्तरी को धरी रहने देंगे यही, क्योंकि यू भी निकल रहा इसमें भी निकला बहुत तेल था यार। मोटर टंकी फुल थी बिल्कुल, ठीक है भाई। छान के डाल लेंगे क्योंकि भाई इसमें दिक्कत है, इसमें बोतल में कुबाड़ था। आधी लीटर तेल नाप लिया, ऐसा घेर ले इसमें, देखो ना कोई सेंस नहीं है फिट हो जाए। 750 हमें लगा, आधी लीटर करना पड़ेगा कुकर होगा। आधी लीटर डिवाइड के कर लेगा, आधी लीटर कुकर कर लेगा। 750 ml की यह पूरी 250 ml की, इसमें दो ये दो करके घेरेंगे। जहाँ लोग का स्टिंग आवे वहाँ लोग का भर भर जाता, ज्यादा हो जाती है एवरेज का पता नहीं चलता है। स्टिंग आवे इतना ही घेर दिया, एक तो गई गेर, एक दूसरी और गेर ले, एक बार दूसरी और गेर दे ना बात दो ही बतेरी। इतना तेल बिगड़ गया, स्पीड भी चेक करवा देंगे इसमें ही। बैग में घाल लिया तेल, इसे लेके चलते हैं बाहर। अरे दो तीन बक्सों दिखे फार्म भरे, देखो इन्हें हिलना ना आगे कुछ है। बाहर लेके चलो भाई, मीटर देख लो एक बार, मीटर चेक कर लो, इससे बेहतर आ जाएगा। तब मीटर रहेगा 8,540 सर, नहीं आएगी जीरो, कोई दिक्कत नहीं। तेल आधे लीटर गिर गया, एक बार टंकी खोल के भी दिखा दो, पर कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें विश्वास होगा। चलते हैं फटाफट लेकर बाइक को बाहर। हम कह लो कौन में 6 0 तो 1 तो हो गया भाई, बजाय को कुछ नहीं चली, लेके चलते हैं अभी साथ में चलेगी, क्योंकि स्पीड भी चेक करनी ना, तो एक कैमरा इस पे भी रहेगा, एक दूर तो सामिता बढ़ा लेगा कभी तुम सोचो कि मीटर भी बढ़ा दी। बाइक को लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कितने चलेगी। अपना मीटर देख लो आप भी, आपको भी कन्फर्म हो जाएगा। दो भाई कमेंट करें कि कितना एवरेज दे रही है, 300 नंबर टायर में, अगला भी बिग टायर है, पिछला भी बिग टायर है, पता चल जाएगा आपको। आगे बाइक को लेकर रोड पर एवरेज नापेंगे, 1 किलोमीटर चल ली घर से चलने के बाद, 1.2 किलोमीटर चल चुकी है। अब रोड पर चक्कर काटते हैं, देखते हैं कितनी चलेगी। थोड़े रोड पर आगे थे क्योंकि मेन रोड पर तो कभी पुलिस मिल जाए दिक्कत हो जाए, इस पे भाई भगा के भी देखेंगे। पूरी वीडियो तो दिखा नहीं सकते क्योंकि स्पीड की अलग बनाओगे, इसमें आपको स्पीड भी पता चल जाएगा। स्पीड की बाद में बनाओगे, पहले से तेल को खत्म करके एवरेज नाप ले। ओके भाई, यहाँ से यू टर्न लेंगे क्योंकि आपके काम आ जा, काम तो बार बार आगे देखो काम आ जाएगा। यहाँ तो यंत्र यू टर्न ले लेंगे, एक चक्कर तो हो गया, इतनी चलेगी 549, दूसरा चक्कर कंप्लीट हो गया, चलेगी 551। आपकी बार रोड पर आ गया था, देखा 40-50 तो नॉर्मल चले, जो भाई नु कहे ना कि स्पीड इसकी 30 की होगी वो होगी। भाई जी शाम को रील डल जाएगी ना इंस्टा वालों को, तो पता चल जाएगा और यूट्यूब वालों को भी पता चल जाएगा। एक बार इसका एवरेज मैं आपका दिखा दूँ, तो मैं 55 चल गई, मैं रोड पर लेकर आ गया, मतलब लंबा सा चलना था, जिप कटा तो छियालीस और बीस छियासठ 20.4 चल रही है, और अभी चल रही है भाई, झटके तो मार रही कभी कभी पर चल रही है। यहाँ पर आकर अपनी बाइक बंद होगी, ओहो पकड़ गई, अब फिर चलते हैं लेके देख लो कितनी चल गई। 567.3 बाइक चल चुकी है 577 चलने के बाद, किलोमीटर आप जोड़ लो, मैं बताऊंगा बाद में, तब तक मैं आपको टंकी चेक करा देता हूँ एक बार। ओ भाई एक टोपा भी तेल नहीं रहा भाई, जो भी है ना थोड़ा बहुत फ्लैश जला के दिखा, फ्लैश जल गया, तेल देख लो कितना है, थोड़ा बहुत ही है, बहुत ही कम, इसे भी फूंक के तब देखते हैं कितना बचेगा। 577 चल चुकी है, अब देखते हैं फटाफट चलो चलते हैं फिर से। हाथ देखो पेट्रोल में कैसे हो रहे, अरे बाइक का तेल बिल्कुल खत्म हो गया भाई, ज्यादा इसकी गैल कैरी करूंगा तो भाई इंजेक्टर फूंक जाएगा, इंजेक्टर आओगा 6,000-7,000 रुपए का। ये देखो बस चल रही, इतने चलेगी चलाऊंगा मैं, अगर बंद होगी ना भाई नहीं करना का धक्का, इतना इतनी बार स्टार्ट कर ली बहुत। अपनी बाइक 574 किलोमीटर चलेगी भाई, 74, इसका खुद अंदाजा लगा लो कि बाइक एवरेज कितने का दे रही भाई, और भी चल जाएगी 1 किलोमीटर और चला दूंगा, देखियो 75 होने वाली है 1 सेकंड में भाई साहब, एवरेज अपने आप नाप लो कितना हो गया होगा। आगे जाने थे मना कर दिया, अपनी बाइक चल चुकी है 8,570, यानी कि हमारी बाइक थी 546,8,540, 77 जोड़ के बताओ कितने बैठे, 76 लोग का 30 हो गए, 46 10 56 10 66 10 76 और 1 77, 31 किलोमीटर हमारी बाइक चली। तेल दिखा दो एक बार बाइक में, आप जोड़ लियो बाइक, देखियो एक बार हिसाब ठीक है, और टंकी में तेल देख लो एक बार,
ले भाई आवाज आ रही हो, कुछ आ रहा हो, कहीं दिख रहा हो कोई टॉप पर, कुछ नहीं बचा। पर भाई मैं चल तो या और भी 100 मीटर जागी, पर मैं नहीं चलाने का क्योंकि इंजेक्टर फूक जाएगा। 31 किलोमीटर चल गई भाई, जो एवरेज कहते कि एवरेज क्या देती होगी, एवरेज तो दिया भाई बाइक ने 32 × 62 62 किलोमीटर भाई। 1 लीटर में 62 किलोमीटर जागी, आधी लीटर तेल गया था और जो तेल बच रहा था उसे गेरते बैग में थे अभी इसमें, क्योंकि अब इसकी स्पीड चेक करानी है आपको। ओके, इसमें तो वो निकाल के इसमें गिरा था ना आधी लीटर, अब इसको डाल लेते हैं इसमें। कभी कोई ये सोचो कि भाई इसमें भाई 1 ग्राम भी तेल नहीं गिरा, मतलब 2 स्टिंग गिरी थी, 2 स्टिंग में देख लो 500 ml हो जा, मतलब की आधी लीटर वही डाला था उसमें ही। एवरेज हमारी बाइक का 62 का है, 1 लीटर में 62 किलोमीटर। ओके, अब डाल लेते हैं ऐसा फटाफट। नंबर टायर ने मौज कर दी भाई, एवरेज 1 नंबर का भाई अपनी बाइक का। पता नहीं बाइक में है या खूबी या टायर में खूबी लगी। ये टायर कहाँ लग रहा है भाई? टायर भी आगे लग के आगे कहीं लग रहा है यार शायद। चलो कोई बात नहीं, सब तो लग जाना दो भाई। 1 नंबर का रेस्पॉन्स आ गया बाइक का, जी लगा दिया बाइक ने। अपनी बाइक का एवरेज आ गया 62 किलो, मतलब की 62 किलोमीटर। 1 लीटर में 62 किलोमीटर जागी, आधी लीटर में 31 गई, 1 लीटर में 62 किलोमीटर जागी भाई। 300 नंबर टायर में जी लग गया, डबल साइलेंसर भी है, वेट भी घना हो रहा, 1 नंबर का जी लग गया भाई। स्पीड भी चला, मतलब भगाई भी, नॉर्मल भी चलाई, 1 नंबर का रेस्पॉन्स। अब देखते हैं हम इसकी स्पीड से, हमको बुलाऊंगे दूसरी बाइक पे, कैमरा रहेगा एक हाथ में, मैं भी रख लूंगा, आपको अच्छे तरीके से टेस्ट हो जाएगी मतलब स्पीड भी। भाई यहाँ ऐसे रोड तो है नहीं कि ज्यादा पूरी स्पीड चेक हो जाए, बस इतनी भी होगी नॉर्मल सी उसका हिसाब लगा लियो आप कितनी बाइक। हमने से बताया कि 62 का एवरेज दिया तो यकीन नहीं हो रहा कि बोर भाई कुकर चेक करे फुल हो गए भाई। जाए अगले जो वीडियो मतलब की कभी आगे आगे बता देंगे, अपनी टंकी फुल करवा देंगे, मीटर देख लेंगे, वीडियो में वॉइस स्क्रीनशॉट खींच लेंगे मतलब फोटो ले लेंगे, उसके बाद चेक कर लेंगे कि फुल टंकी में कितनी चली। अब तो फिलहाल भाई 60 का एवरेज लगा लो, 31 किलोमीटर चली मोटरसाइकिल जब तो आधे लीटर तेल गिरा था। ठीक है, ये पड़े अपना बाद में गिरा जोन सही, इब्जा करेंगे स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट कुकर होगी, एक कोना कुआं में दूसरे में बनी है, तू पीछे था ठीक है, तेरे में तो मीटर चले है और इसका भी चले है, एक मैं अभी दिखा दूंगा। ठीक है भाई, स्पीड टेस्ट कर लो और फिर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो। लेमिनेशन आज भाई ऑर्डर कर दी, फोटो लगा, स्पीड चेक पीछे हो रहा उस कैमरे में देख लियो। मैं तो चलाऊंगा भाई, चलाते टाइम पता नहीं चलने का ना, कुकर एक हाथ पकड़ूंगा। पिछले के भी और अगले के मोटर एंगल की स्पीड 70-80 लोग तो 20 में भी चाड़ती वीडियो में, आगे भी देख लियो भाई। जो और बड़ा भाई में बढ़िया हो ना तो मोटरसाइकिल 90-95 भाग जाएगी 300 नंबर के टायर में। ठीक है भाई, चेक करो फिर कर एक बार और चलवा दिखा दो मैं अंदर 1 किलोमीटर 500 मीटर के टुकड़े पे देख लियो। चल बेटी एवरेज भी टेस्ट हो गया, स्पीड भी टेस्ट होगी भाई। स्पीड लगा लो 80-90, जोन से 30 कहते 30 तो है नहीं, 80-90 की स्पीड है भाई। और भाई पिछला टायर 300, अगला 120, 80-18 का। ठीक है भाई, और भाई एवरेज भी टेस्ट हो गया, एवरेज दिया 62 का स्प्लेंडर ने। कहा जा रहा भी टेस्ट हो गया, स्पीड भी टेस्ट होगी, तो मैंने सब कुछ देख लिया, स्पीड भी और एवरेज भी। फटाफट चलते हैं घर, लाइक कमेंट शेयर भेज दो। नेक्स्ट वीडियो भाई रैप आगे तो रैप की, नहीं तो कुछ और करेंगे ने। भाई घर आके फिर से तेल डाल दे, टंकी कर दी अपनी फुल, अब भेज देते हैं ढक्कन। भाई कितनी मेहनत करनी पड़े यार, एक वीडियो बनाने के लिए सारी टंकी खोल ली, पता नहीं क्या डंगा कितनी बोतल काटी, कितना के जुगाड़ करा, फिर आपको एवरेज और स्पीड टेस्ट करा दी। अब भाई इसको कर देते हैं बंद, भाई अपनी बाइक खड़ी कर दी घर लाकर, तेल भी टंकी फुल कर दी फिर से। और भाई लाइक कमेंट शेयर भेज दो, वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और भाई एवरेज और स्पीड आपने देख ली, बाइक ने 1 नंबर का कमाल कर दिया भाई। स्पीड
स्पीड भाई 100 की भगा दूंगा, 100 कम से कम 100 प्लस स्पीड चले जाएगी। अगर हाईवे पर मोटरसाइकिल चला ना, हाईवे बड़ा हाईवे देखता होगा, अगर उस पर चले तो 100 प्लस स्पीड दिखा दूंगा। ये तो 80-85-90 की स्पीड है और अपना एवरेज आपको 60 का पता चले गया। 31 किलोमीटर आधे लीटर मोटरसाइकिल चली। ओके भाई, लाइक कमेंट शेयर पे।